गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे, तो नहाना धोना पूजा पाठ झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, और आज मुझे कहीं जाना भी है तो इसलिए थोड़ा जल्दी हमें काम ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी चाय बन रही है और यहाँ साइड में हमने रख दिया है कुकर। और ये देखिए चने की दाल है, इसको हमने भिगो के रख दिया है। आज बनाएंगे खाने में चने की दाल और चावल, और नाश्ते में चाय तो बन ही रही है और चल रहे हैं अभी नमकीन पूरी बनाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने गाँव की भी बहुत सारी ढेर सारी वीडियो बनाई है अच्छी, जाके आप लोग हमारे चैनल पर वो भी देखिए, क्योंकि गांव के बहुत अच्छे मतलब पूरी ग्रीनरी टाइप की हमने वीडियो बनाई है, आपको पसंद आएगी जिन्हें गांव पसंद है और जो लोग गांव नहीं जानते हैं। तो चलिए अभी फटाफट काम करते हैं। और यहां पर हमारा पानी भी बॉयल हो चुका है। हमने इसमें नमक और हल्दी पहले ही डाल दिया था। तो एक साइड हमने कुकर को रख दिया है गैस फ्लेम को मीडियम पर करके, दाल धीरे धीरे पकती रहेगी। इधर हम पूड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हमने आटा लिया है और आटे में हम थोड़ा सा 2-3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी, अजवाइन, नमक, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम बढ़िया सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो आटा तो हमारा तैयार हो चुका है, अब हम कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। और ये अभी हमने दिखाया, ये है टिश्यू पेपर। फ्राई करेंगे दाल, दाल हमारी पक चुकी है तो तेल भी हमारा गर्म है। इसमें हम डालेंगे जीरा, हींग, और हमने तड़का काट के रखा है प्याज, लहसुन, मिर्चा, अदरक। और लहसुन की कलियों को हमने कट नहीं किया है, वैसे ही रखा है खड़ा खड़ा, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा लगता है दाल में। तो प्याज, लहसुन, मिर्चे का तड़का जब हमारा हो चुका है तो उसमें हमने ऐड कर दिया है कुछ थोड़े से मसाले, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसाला हम लोगों को पसंद नहीं है, बच्चे नहीं खाते हैं। तो मसाले में हमने ऐड किया है धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी हमने पहले से ही ऐड किया हुआ था दाल में, और थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी जो मुझे बहुत पसंद है, और बस इन सभी चीज़ों को डालकर। और हाँ, टमाटर भी हमने ऐड किया था जब हमारा प्याज का तड़का थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो हमने उसमें टमाटर ऐड कर दिया था। और टमाटर को हमने अच्छे से मैश कर दिया है, क्योंकि टमाटर का टुकड़ा जो है मुँह में जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, और हमें तो नहीं पसंद है, हो सकता हो आप लोगों को पसंद हो। तो चलिए देखिए, हमारी दाल तैयार हो चुकी है और आप चाहें तो इसमें अपने पसंद से और भी मसाले डाल सकते हैं, अच्छी लगती है ये दाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग? और अभी दोपहर के शायद 11:30 बज रहे होंगे और खाना वाना हमारा बन चुका है और मैं तैयार हो रही हूँ। मुझे जाना है, एक इम्पॉर्टेंट कागज़ बनवाना है तो उसके लिए मुझे मार्केट तक जाना पड़ेगा। और मैं जैसे ही तैयार होना शुरू की वैसे बारिश होने लगी, बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़ की, तो अभी कंघी वंघी तो नहीं किए हैं। और ये कान का पहन लिए हैं, हम सोचे जब तक बारिश हो रही है तब तक 2-4 रील्स ही बना लें, देखते हैं। और दिखा रहे हैं अभी आपको बैक कैमरे से कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसमें वीडियो में पता नहीं चल रहा है, और मैंने रील्स वगैरह भी नहीं शूट किया क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी और थोड़ा मूड भी ख़राब था, क्योंकि आज का दिन बेकार चला जाएगा बारिश की वजह से। तो अभी ये दूसरा दिन है, जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन मैं नहीं जा पाई, तो अब मैं आ चुकी हूँ, मेट्रो में हम लोग बैठ चुके हैं और अब निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और देखिए हम लोग पहुँच गए हैं हुसैनगंज, हम लोग हुसैनगंज पहुँच गए हैं और ये हुसैनगंज का मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड में है, और अभी हम लोग अंडरग्राउंड में हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो चल रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो अब चल रहे हैं
बाहर जब निकलेंगे अंडरग्राउंड से, अभी तो अंडरग्राउंड में ही है, जब बाहर निकलेंगे फिर आप लोगों से बात करेंगे थोड़ी देर में। और ये बैग हमारे साथ रहता है इसलिए कि इसमें जैसे कोई सामान वामान खरीदे तो इसमें छोटे मोटा सामान इसमें आ जाता है, पानी की बॉटल इसमें आ जाती है, तो इसलिए ये बैग मेरे साथ रहता है हमेशा। जैसे अब मार्केट में जा रहे हैं, कोई चीज़ पसंद आ गई छोटी मोटी चीज़, तो इस बैग में रख सकते हैं। हाँ गेट है। और ये आगे का गेट है, तो चौक में चलें पहले बता। पहुंच गए हम लोग हुसैनगंज चौक में, तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाना है। ये देखें हमें, और अभी गूगल पे सर्च कर लें कि जिस जगह हमें जाना है वो है कहाँ। अभी हम लोग इस समय हैं कैसरबाग में, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, ऊपर से इतनी गर्मी, धूप और ट्रैफिक, इन सब से एकदम दिमाग ख़राब हो रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं जहां हमें पहुंचना है। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं रतन स्क्वायर, ये है रतन स्क्वायर और ये है लालबाग में। तो यहाँ हम चलते हैं, देखते हैं अगर हमारा काम होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें आज वापस जाना पड़ेगा क्योंकि हम 2:30 बजे घर से ही निकले हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए और पहुँचने के बाद पता लगा कि आज काम होगा ही नहीं, तो हमारे पास टाइम था 2 घंटे का टाइम था क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं। तो बगल में ही विशाल मेगा मार्ट था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा देख लें क्योंकि हमें तीज के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, तो बगल में ही मिल गया तो हम सोचे कि चलें देख लें, टाइम भी है और थोड़ा सा हमारा ब्लॉग भी बन जाएगा। स्पेशली ब्लॉग बनाने के लिए मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, जब किसी काम से निकलती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत जहाँ मुझे ठीक लगता है मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो देखिए ये है लखनऊ का विशाल मेगा मार्ट, और मैं कल फिर आऊँगी क्योंकि मुझे आना पड़ेगा, हमारा काम हुआ नहीं है। और कल लेकिन मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट करूँगी, ये सारी वीडियो आज की है, तो आज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और मैं अच्छे से तैयार तभी होती हूँ जब मुझे कहीं स्पेशली जैसे सिर्फ शॉपिंग करने के लिए जाना हो, या कोई तीज त्यौहार हो, पूजा पाठ हो, या किसी के घर जाना हो, कोई फंक्शन या पार्टी हो, तभी मैं बहुत अच्छे से रेडी होती हूँ। वरना मैं अगर मुझे काम के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर भागना दौड़ना पड़ता है, तो सारा फैशन धरा का धरा ही रह जाता है। इसलिए मैं जैसे ही रहती हूँ थोड़ा सा कंघी किया, जूड़ा बनाया और बिंदी लिपस्टिक लगाया, जो सूट सामने दिखा वही पहन कर मैं निकल जाती हूँ। तो हमें विशाल मेगा मार्ट में कुछ पसंद नहीं आया, हमने कुछ लिया ही नहीं, और वहाँ से निकलकर चलते चलते तो हम आ पहुँचे हैं अमीनाबाद की मार्केट में। और ये है अमीनाबाद की गली, यहीं से शुरू होती है अमीनाबाद मार्केट। तो आप लोग देख सकते हैं इतनी भीड़। एक तो शाम हो रही थी, मुझे देर भी हो रही थी, और जब शाम होने लगता है तो मेरा मन एकदम से घबराने लगता है, मैं मार्केट में रुक नहीं सकती, वो भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर। तो अब आप लोग देख लीजिए, और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर तीज की शॉपिंग करने आई हूँ, मुझे तीज की शॉपिंग करना होता तो मैं अपने बगल ही मार्केट हमारी लगती है, हम वहीं से कर लेते। मुझे यहाँ आना था, हमें ज़रूरी काम था, यहाँ तक आना ही था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलूँगी तो अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँगी अपनी तीज के लिए। तो हमारा काम भी नहीं हुआ तो निकल चुके हैं, हम सोचे कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग व्लॉग शूट कर लें यहाँ तक जब आए ही हैं, क्योंकि यहाँ से सब कुछ पास पास में है, आप 10-20 कदम चलेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह चिकन वाले सूट ही नज़र आ रहे हैं, एकदम पूरा जैसे भरा पड़ा हुआ है चिकन वाले सूट से पूरी मार्केट। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हो रही है, और आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आप सभी लोगों को वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।